कोई विशेष वैष्णव उत्सव नहीं है। 22 सितंबर शुक्रवार का दिन है और सप्तमी तिथि प्रातःकाल लगभग 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो रहा है। संध्या काल 6 बजे तो हम आज अपनी वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाते हैं। प्रतिदिन हम एक वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा करते हैं। इसी श्रृंखला में हम पहले लगभग 150 भजनों का संकलन को देख चुके हैं। इसके बाद हम अल्फाबेटिकली सारे वैष्णव भजनों को देख रहे हैं, तो क्रम से चलते हुए आर केनो माया जाले इत्यादि प्रश्नों को हमने कर लिया था। आर की एमन दशा हबे पर भी हमने चर्चा कर लिया था। आज हम जिस भजन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है श्री नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है, अरे भाई भजे मोरे गौरांग चरण। जिसको कि हम कल परसों शुरू करने वाले थे लेकिन किसी कारणवश हमने नहीं किया था, तो आज इस भजन को हम आगे पढ़ेंगे। तो ये भजन प्रार्थना पुस्तक से नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा लिया गया है। इसका शीर्षक है गौरांग निष्ठा। अरे भाई भज मोरा गौरांग चरना, ना भजिया मोइनु दुखे डूबी गृह विषाकुले, दत्त कोइलो विपंच प्राण, तापत्रया अहर्निश या ज्वले देह सदा ये अचेतना। रिपुवश इंद्रिय होइलो गुरा पद पसारिलो, विमुख होइलो हेनो धाना, हेनो गोरा दया माया, छाड़ी सब लाग
तारे गोराओ धारी तारा होलो पतित पावन गोरा तुझे नटराजे बांधा हो हृदया माझे की करिबे संसार नरोत्तम दासे कहे गोरा सम क्यों ना भजते दे प्रेमदाना। तो इस भजन में श्री नरोत्तम दास ठाकुर ये कह रहे हैं कि अरे अपने दुश्मन को तो पहचानो, कौन है तुम्हारा दुश्मन? अरे ये जो इंद्रियां हैं यही तो तुम्हारी दुश्मन है। ये जो इंद्रियां हैं इनको कितना भी देते जाओ इनकी भूख नहीं खत्म होती, बस एक अजीब सी लालसा लगी हुई। तो यहाँ पर इस भजन में ये कह रहे हैं कि व्यक्ति भगवान का भजन छोड़ करके भगवान के ऑप्शन में किन चीजों को रखा हुआ है, डोमिनोज का पिज्जा वगैरह रखा हुआ है, मतलब कंपटीशन भगवान का है किससे, इन सब चीजों से कि हम डोमिनोज में टेक अवे में जाएंगे वहाँ पिज्जा खा लेंगे थोड़ी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेंगे। और सो दीज थिंग्स आर इन कंपटीशन विद कृष्णा, मतलब भगवान का भजन ना करें तो फिर करें क्या इस दुनिया में, जाके सारा कुछ खा डालें सब, जितने भी सब जगह पर खाना खा ले क्या, या फिर सारी स्त्रियों से विवाह कर ले, करने के लिए ही कुछ नहीं है वैसे तो, क्योंकि ये सब कार्य जो कुछ भी जो कोई भी किया है वो भी असंतुष्टि है ना। जिसके पास 1 अरब रुपए है वो उसके अंदर भी एक हृदय में तृष्णा लगी हुई है कि दूसरा अरब भी मुझे आ जाए, इसका मतलब 1 अरब ने अभी तक संतुष्ट नहीं किया है, नहीं तो वो आकर के बोलता है यूरेका यूरेका आई हैव फाउंड द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इट्स इन 1 अरब रुपीस। तो बुद्धिमान व्यक्ति को समझ में आ जाए तो नियम बना लेना चाहिए, हमको समझ में आ गया कि ये जो इंद्रियां हैं ये हमारी दुश्मन, मैं इंद्रियों का दास नहीं हूं, इंद्रियों मेरी दास होनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के लिए ऑप्शन में एक तराजू में कृष्ण भजन रखा हुआ है, दूसरे तराजू में किसके वजह से कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं भजन नहीं कर रहे हैं, दूसरे तराजू में इसलिए कहते हैं कि ऑफिस में टाइम नहीं मिलता प्रभु। अरे मनुष्य जीवन सार्थक करने के लिए ही तो नौकरी कर रहे हैं कि नौकरी करने के लिए हम भजन कर रहे हैं बताओ, अरे सारा कुछ हम इसलिए कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन सार्थक, जैसे अपने परिवार के लिए हम नौकरी कर रहे हैं कि नौकरी के लिए परिवार, अरे परिवार के लिए हम नौकरी कर रहे हैं ताकि नौकरी से जो कुछ भी आर्थिक मिले उससे हम परिवार का भरण पोषण कर सके, उनको जो भी सुख हो वो दे सके। अब उल्टा हो गया आजकल, नौकरी के लिए ही मैं हमारे फूफा जी के यहाँ पे गया हुआ था तो दिन भर यही बातें होती रहती थी कि बेटे को अच्छा इस समय ऑफिस जाना है, इस समय ये करना है, फिर उसके बाद बीच में आना है, फिर दिन भर यही बात होती थी तो क्या हुआ तुम्हारे उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ, अच्छा वहां पर ऐसे, अच्छा मिलना चाहिए, चलो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुमको प्रोजेक्ट मिल जाए, है पूरा घर इसी में लगा हुआ है कि भाई नौकरी अच्छे से होती रहे। तो नौकरी जो है वो केंद्र में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि परिवार का सुख, परिवार जो फैमिली है उनके लिए उनको हम कुछ कर पा रहे तो वो हम उनके लिए ना हम नौकरी कर रहे हैं कि नौकरी के लिए हम परिवार को लगा दे, उसी तरह से भगवान को नौकरी के लिए लगा दे रहे हैं।
सारी चीजों के लिए कृष्ण को कॉम्प्रोमाइज करते थे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अरे भाई भज मोर गौरांग चरण, ना भजिया मोइनो दुखे, डूबी गृह विष कूपे। जो सारा जो ये नौकरी है, सब सारे दुनिया का जितना भी काम है वो एक अंधे कुएं के समान है। आपको क्या लगता है, एक दिन आपका मैनेजर आके कह देगा बस बस अब तो कुछ सेवा नहीं करो, ऐसे ही सैलरी लो, क्या अगर हम बहुत संतुष्ट हो गए तुमसे? कभी ऐसे थोड़ी कहेगा कोई। हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। एक कुएं के समान है जीव दुनिया में, जो ये प्रपंच है ये कुएं के समान है। कभी भी आपको भजन भक्ति करने का समय थोड़ी मिलेगा। और कई लोग ये सोचते हैं कि अभी यंग एज है, अभी क्या भजन करना है, ये तो जब बूढ़े हो जाएंगे तब की बात है। पता नहीं, हो सकता है कि बुढ़ापा आए ही ना। आधे लोगों को तो यही लगता है कि ये जो सब लोग बोल रहे हैं भगवान भगवान के बारे में, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे ही ना प्रकट हो गए, ऐसे ही ना ये सब मंदिर अपने आप ही बन गए होंगे, होता नहीं होगा कोई भगवान ऐसे। अरे जर्मनी में नरसिंह देव की मूर्ति मिली है क्या? कुछ दिन पहले नरसिंह देव की मूर्ति मिली जर्मनी में। यहाँ ही नहीं, इंडिया, पूरे वर्ल्ड में भगवान का भक्ति हुई है। तो इसको यहाँ पर कह रहे हैं कि और ये दुनिया के काम काज करते 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 तो पंच प्राण एकदम सूख जाते हैं। कई बार मैंने देखा है, बॉम्बे में मैं एक बार गया, एक जगह है चेंबूर, उसको पाकिस्तान कहा जाता है, बॉम्बे का पाकिस्तान है वो। तो मुझे लेक्चर के लिए बुलाया गया था, मैं गया वहाँ पे। तो जो भक्त ने मुझे मतलब सेवा दिया था, तो उनके घर में गया, तो एक चाल में रहते थे, बहुत ही छोटा सा घर है जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है, मतलब तो आप घुसेंगे बस उसका अंतिम दीवार आ गया कि यही है बस। उसी के अंदर वो किचन भी हल्का सा है, उसी कमरे में वही एक वॉशरूम बनाया है, टॉयलेट जो है बाहर कॉमन टॉयलेट है सबका, सारी चाल वालों का। और सुबह बहुत भाग करके 7 बजे ही चले जाते हैं, क्योंकि लोकल जो पकड़नी होती है, और उसके बाद रात में 8-9 बजे आते हैं, चावल थोड़ा बहुत खाते हैं और सो जाते हैं। बच्चे भी पहचानते नहीं कि ये मेरे पापा है। मैं तो सोचता था कि वो जो झाड़ू लगाते हैं वो ही पापा है, क्योंकि वो ज्यादा बाहर आता है घर पे। बच्चों को पता ही नहीं, क्योंकि भाई वो सुबह आता है एक बार झाड़ू, दोपहर में भी आजकल स्वच्छता अभियान चल रहा है तो वो आता है, फिर कचरा लेने आता है। ज्यादा मीटिंग तो झाड़ू वाले से ही हो रही है घर पे, तो लोग उसको लगता है कि यही पापा होने चाहिए, और ये कौन है? वो रात में चले जाते हैं, इतना बिजी लाइफ है, परिवार को 1 मिनट भी टाइम देने का समय नहीं। किस लिए नौकरी कर रहे हैं? तो चीज को समझना चाहिए। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर ये कह रहे हैं, तापत्राय विषाणाले जाने। आपको क्या लगता है, यहाँ सेटलमेंट हो जाएगा इस दुनिया में? कोई सेटलमेंट नहीं होगा, ये कह रहे हैं। तापत्रय मतलब इस संसार में समस्याएं पड़ती ही रहती हैं, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। तो ये दुनिया एक कढ़ाई के समान है, जिसमें ये तीन कढ़ाइयां हमको हमेशा तलती रहती हैं। या तो आदि भौतिक क्लेश हो जाएगा, आदि भौतिक क्लेश का मतलब कोई दूसरा जीव होगा उसके उसने आपको परेशान किया होगा, कोई नहीं तो कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, या सकता है मच्छर, या फिर मैनेजर, या फिर किसी किसी की सासू माँ, कोई भी
कोई भी इस संसार में परेशान, अगर मान लो ये लोग परेशान नहीं कर रहे हैं, तो आदि दैविक क्लेश हो जाएगा। इंद्रदेव पानी बढ़ा दिए, पता चला कि सब जगह लैंडस्लाइड हो रहा है ना। आदि दैविक मतलब जो प्राकृतिक आपदा है वो आ सकती है। अगर वो भी नहीं हुआ और मैनेजर इत्यादि भी कोई जीव भी परेशान नहीं कर रहा है, तो हमारा शरीर ही हमको परेशान करता है। आध्यात्मिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश का मतलब मेरे मन और शरीर से ही होने वाले क्लेश। कभी कभी किसी को डिप्रेशन हो जाता है, मूड नहीं कर रहा है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें। तो कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है, आपको छोड़ दिया जाएगा? यहाँ तलते ही रहेंगे, बस तरीका अलग होगा। कई बार जब बहुत किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, तो हमको लगता है देखो ये कितने अच्छे हैं, बढ़िया इनकी जॉब है, गूगल में जॉब करते हैं, और इतनी सैलरी है इनकी, इतने खुशी से तो रहते होंगे। तो मेरा जो मैनेजर था, उसकी ही वॉज अर्निंग 20 लाख रुपीज पर मंथ, लेकिन सोचिए उसके बेटे के हार्ट में छेद होता है, तो हमेशा कष्ट ही रहता है। ये संसार में कभी सेटलमेंट थोड़ी होगा। सदा देहो होए अचेतन, बार बार बेहोश भी हो जाते हैं, इतनी मेहनत से काम करते हैं ऑफिस में, एकदम गधे के जैसे, गधे से भी बदतर। कई लोगों को तो डेडिकेशन इतना ज्यादा होता है कि वो दिखाने के चक्कर में, जैसे मैं कभी ऑफिस में अप्रेजल के चक्कर में नहीं पड़ा था। मुझे मालूम था ये ज्यादा, जब मुझे ज्यादा सैलरी चाहिए होती तो मैं स्विच करता था, इन चक्करों में नहीं पड़े थे, क्योंकि एकदम गधे के जैसे मेहनत कर रहे, ना परिवार के लिए समय है, सुबह एकदम भागे जा रहे हैं, भाग के जा रहे हैं। कई लोग दो दो जॉब करते हैं पार्ट टाइम, सुबह भी जा रहे हैं, शाम को भी जा रहे हैं। देखो थोड़ी दिन में ऐसा ना हो कि मैनेजर आपके गले में रस्सी बांध करके वहीं अपने कंपनी में बांध दे कि अब तो ये गधा ही हो गया है इतना काम भी नहीं करना है। कई बार लोग दुनिया में ये बताते हैं कि नहीं, आपको जो है स्पेशल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है ना, मुझे मिला था एक अवार्ड है ना इंफोसिस में एम्प्लॉय, जबकि मैं धोती कुर्ता पहन के जाता था, और भाई काम अच्छे से करो तो उतना नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं करता था मैं। सुबह आराम से 9 साढ़े 9 बजे तक साधना वगैरह करके तब हम जाते थे, और उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे तक जो भी हमको काम होता था वो करके निकल आते थे। एक दिन तो एनआर नारायण मूर्ति का मेल आया हमको कि डोंट स्पेंड मच टाइम इन ऑफिस, गो लर्न म्यूजिक। साढ़े 5 बजे के बाद लड़के बैठे रहते वहीं पे, उस समय ये फेसबुक वगैरह इंटरनेट वहां पे रहता था, ये सब करने के लिए। और क्या कर रहा है भाई, 8 घंटे भगवान के भजन के लिए, 8 घंटे अपने शरीर के लिए, 8 घंटे नौकरी के लिए, बस 8 घंटा बहुत है नौकरी के। उससे जो आमदनी हो जाती है, ऑफिस में क्या होता था, मैं सुबह जाता था 10-11 बजे तक तो सब लोग चाय वाय पी के आते हैं, फिर उसके बाद फिर थोड़ा चाय पियेंगे, फिर दोपहर में तब तक तो 1-2 घंटे 1 घंटे काम करेंगे, फिर लंच का टाइम हो जाएगा, लंच करने के बाद थोड़ा वॉक सैर करके आएंगे फिर 3-4 बजे सबको याद आता है कि अच्छा अब नौकरी अब कर ली थोड़ा, तो उसके बाद फिर मीटिंग शेड्यूल होती है 7-8 बजे की, फिर 9 बजे 10 बजे फिर शेड्यूल मीटिंग हो करके तब फिर कहते हैं कि ओ इट वाज अ वेरी हेक्टिक डे टुडे। अरे सुबह से काम ही नहीं किया आप तो परिवार को कभी टाइम दे ही नहीं पा रहे, बेटा पहचानेगा कैसे, पहचानेगा? नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे कि पंच प्राण इतना जल जाते हैं कि कई बार व्यक्ति ऑफिस से आके एकदम बेहोश हो जाता है। ओहो ऐसे एकदम बेहोश हो जाता है, इतना काम करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको और लंबा नहीं लेंगे, ये नरोत्तम दास ठाकुर इसमें दो प्यार और हैं, और इसको आगे हम कभी और आगे कल चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो मैं अभी इसको यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ।
थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। पिताए गौर प्रेमानंदे हरि हरि। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा पर्वते दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ब्रज नमस्कार। थैंक यू सो मच गुरुजी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु माता जी पर्वते दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दो और पी बेटे फटाफट खाओ। खा लिया? हाँ दो और गिलास। ओ हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कैसे चल रहा है आप लोगों का कोर्स? ठीक चल रहा है भैया? बता रहा है नहीं तो मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ठीक है, आज तो लोग हो गए लॉग इन ना, 7-14 हो गए। ठीक है, निकाल लीजिए आपकी हैंडबुक आई कि नहीं। हैंडबुक शाम को पूछा था क्या? नहीं हुई थी प्रिंट, आज आ जाएगी ना। जस्ट अ मिनट।
हरे कृष्णा लॉक है क्या? एक मिनट। हरे कृष्णा ऑल द डिवोटीज, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद, जल्दी आने के लिए धन्यवाद। मैं सभी लोगों को म्यूट कर रहा हूं अभी। गुरु पादाश्रय